हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ लौकी की डिलीशियस खीर। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है उससे भी कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम लौकी। उसे अच्छे से वॉश करके छील कर अब मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए, ये हमारी लौकी तैयार है खीर बनने के लिए। 250 ग्राम लौकी में मैंने आधा किलो दूध लिया है। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है क्योंकि खीर जितनी ज़्यादा क्रीमी और रबड़ीदार होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब खीर बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी चढ़ा लिया है और उसमें सबसे पहले मैं अपने लौकी को अच्छे से भून लूँगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि लौकी सीधा दूध में डालकर भी खीर बन सकती है, लेकिन इस तरीके से जब आप खीर बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग ही आएगा। एक बार इस तरीके से भी बनाकर देखिए। तो चलिए अब हम अच्छे से इसको घी में भून लेते हैं। अभी मैंने सारी लौकी इसमें डाल ली है और मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए भून लेंगे। अभी हमारी लौकी भून गई है तो इसमें हम आप दूध छोड़ देंगे। ये देखिए, अब मैंने इसमें दूध मिक्स कर दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, लौकी की खीर को पकने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये पककर जब तक रबड़ी के जैसी नहीं हो जाती इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए हो सके तो इसे जितने देर तक, ये 15 से 20 मिनट तक इसे पकने के लिए चाहिए। पकते टाइम इसमें आपके पास इलायची पाउडर तो इलायची पाउडर डाल दीजिए। मैंने 4-5 इलायची को अच्छे से कूट कर वो डाल दिया है। इलायची का फ्लेवर खीर में अपना अलग ही होता है, इसलिए इलायची ज़रूर डालिए। ये देखिए, ये खीर हमारी लगभग काफ़ी गाढ़ी हो गई है। देखिए, ये चारों तरफ रबड़ी की तरह लग भी रही है। तो बराबर चलाते हुए इसको इस तरीके से पकने देंगे। अब हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। वैसे अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं भी हैं तो भी चलेगा क्योंकि घिया की खीर का तो फ्लेवर अलग ही होता है, लेकिन मेरे पास है तो मैंने ले लिए हैं। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी चढ़ा लिया है और उस घी में मैं खरबूजे की गिरी और तरबूज की गिरी को भून लूँगी। खरबूजे की गिरी और तरबूज की गिरी को भून कर जो फ्लेवर आता है वो कच्ची में नहीं आता, इसलिए इन्हें किसी भी चीज़ में यूज करने से पहले घी में ज़रूर भूनिएगा। ये देखिए, ये चटकनी शुरू हो गई हैं, ये ऐसे गोल्डन हो गई हैं, अब तैयार हो गई हैं। अब देखिए, हमारी खीर भी तैयार हो गई है, चारों तरफ लग भी रही है बर्तन में। तो समझिए हमारी खीर तैयार है और अच्छी घुट गई है। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। ये देखिए, अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी डालने के बाद इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, चीनी हमारी घुल गई है अच्छे से, हमारी खीर तैयार है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, ये देखिए, और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो लीजिए, तैयार है हमारी डिलीशियस लौकी की खीर। आइए आप सभी भी खा लीजिए और एक बार बनाकर ज़रूर देखिए इस तरीके से खीर। आई होप आप सभी को पसंद आएगी मेरी रेसिपी। थैंक यू सो मच एवरीवन।